पराया होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसलिए कभी पिता से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। इन शब्दों को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से बेहतर भला कौन समझेगा। पांच बेटियां और दो बेटों के पिता लालू यादव को किडनी की जरूरत पड़ी तो बेटी ही आगे आई। अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली शख्सियत रोहिणी आचार्य बन गई हैं। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी आचार्य ने पिता लालू को अपनी एक किडनी देकर उन्हें जीवन दान दिया है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। फिलहाल लालू यादव और रोहिणी आचार्य दोनों स्वस्थ हैं। आपने देखा होगा, हमेशा से ही रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए बिहार की राजनीति पर नजर रखती थी और कई मुद्दों पर अपने विचार भी शेयर करती थी। वो कई बार विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी पर तंज भी कस चुकी हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान करने का फैसला किया। उनके इस दान के बाद कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। वहीं बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता के लिए एक महान बेटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उसने दूसरे के लिए एक मिसाल कायम की है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सिंगापुर में हुआ है। हम सब उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लालू जी स्वस्थ हों और दीर्घायु हों, ये हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है। उनको उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया है और रोहिणी ने जो किडनी डोनेट करते समय अपने जज्बात अपने पिता के लिए प्रदर्शित किए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और रोहिणी ने अपने पिता के एक महान बेटी के तौर पर खुद को स्थापित किया है और समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद जी दोनों स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। हम सबकी ईश्वर से यही प्रार्थना है। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य के तारीफ करते फिल्म स्टार भी दिखे। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि बहन रोहिणी, जो आपने किया उससे हर पिता आज गर्व महसूस कर रहा होगा। बेटी होना सौभाग्य की बात होती है, आज फिर से पूरी दुनिया इस बात की साक्षी बनी। बहरहाल ठीक ही कहा गया है, बेटी की हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी भी अधूरी नहीं होती। तभी तो सनातन धर्म में कहा गया है कि कोई नजराना देता है, कोई सम्मान देता है, मगर बेटी का बाप तो कन्यादान देता है। फिलहाल खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।